स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने अगले वीडियो में मापन वाले टॉपिक चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्वांटिटीज में मैंने अभी उसमें से पहला बताया था फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताया था। फिर आज का मेरा टॉपिक होगा कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उसके आगे ड्राइवर क्वांटिटीज। तो चलिए देखते हैं हम कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इस कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हिंदी में हम बोलते हैं पूरक राशियां। तो अब इसको हम पूरक राशियों को बताया था कि मल्टी टाइप की होती हैं, ऐसे किसके लिए भी चार्ट बनाएंगे, मतलब ऐसी राशियां जिनके मापक तो होते हैं परंतु भिन्नाएं नहीं होती हैं पूरक राशि कहलाती हैं, मैंने आपको बता रखा था। तो देखिए इनके मापक रहेंगे लेकिन इनके जो बीमीय संकेतांक होते हैं, जो बीमा होता है वो नहीं होता है। मैंने ये आपका सीरियल नंबर है जिसको क्रम बोलते हैं, यह पूरक राशि और पूरक मात्रक हो जाएंगे। ठीक, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। पूरक राशि के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशि कैसे कहते हैं, हमने बता रखा था क्या कि ऐसी राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं नहीं होती हैं वे राशियां पूरक राशि कहलाती हैं। ठीक, चलिए हमने आपको दो बताया था लेकिन मैं यह भी बताया था आपको कि मैं आपको जब बताऊंगा तो तीन बताऊंगा। एक होगा कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल और दूसरा होगा घन कोण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में साइड एंगल। और थर्ड होगा आपका लेंस की क्षमता जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। देखिए इसका जो मतलब जो कोण है, कोण का मतलब एंगल, मतलब इसका जो यूनिट होगा यह होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कोण को हम रेडियन में मापते हैं। इनका जो डायरेक्शन सिंबल होता है नहीं होता क्योंकि मैंने पहले बता रखा है इसको, और ये एंगल तो इसको होते हैं इसके रेडियन। और इसका होता है डायोप्टर। ठीक, यह हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब मैं आपको बताऊंगा ड्राइवर्ड क्वांटिटीज जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक, देखिए क्वांटिटीज के लास्ट टॉपिक होगा व्युत्पन्न राशियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर क्वांटिटीज। ठीक, हमने बताया था कि ये संख्या में जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं क्योंकि इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं सब क्या है, यही हमारे आते हैं ड्राइवर क्वांटिटीज में आते हैं। तो जो ड्राइवर क्वांटिटीज में आते हैं अधिकतर हम लोग जितने फार्म पढ़ते हैं सब ड्राइवर क्वांटिटीज में आते हैं। बस सात को छोड़ दीजिए, मेरे लिए सात को छोड़िए और दो, सात दो नौ, नौ को छोड़ दीजिए। जैसे हमने बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ मात्रा तथा वैद्युत धारा। ये हमने आपको सात के फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया था जिसको बोलते हैं मूल राशियां। उस मूल राशियों के बाद मैंने आपको दो अभी बताया है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज में, क्या कोण और दूसरा कहते हैं घन कोण। तो सात और नौ को छोड़ दीजिए। इन नौ को छोड़ने के बाद लगभग हम लोग जितने भी फार्मूले पढ़ते हैं, जितने भी अब तक हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जितने भी फार्मूले पढ़ रहे हैं सब हमारा यही व्युत्पन्न राशि होती है। तो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। मूल राशि का मतलब समझ रहे होंगे
होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब लंबाई द्रव्यमान समय ताप जो कि पदार्थ की मात्रा जो उन सबों से प्राप्त की जाती है वही हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाती है। देखिएगा उन्हीं के जरिए पाई जाएगी, इसी वजह से उसको हम लोग मूल राशि अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज बोले थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्राइवर्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज इसको बोला जा सकता है। देखिए होती तो इनफाइनाइट है लेकिन मैं तो कितने लोगों का कितने का बताऊं, पांच छह को बता देता हूँ, बाकी सब आप लोग समझ जाएंगे। इसका डायमेंशन सिंबल सब कुछ होगा, ये सीरियल नंबर, ये हो गया व्युत्पन्न राशियां, और ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक, और ये हो जाएगा बीमीय संकेतांक। ठीक, चलिए हम इसमें पांच साल बता देते हैं, होती तो बहुत हैं, आप लोग एक ये हम आपको केवल समझा रहे हैं और आप लोग स्वयं निकाल लेंगे। कोई भी आपका क्वांटिटीज होगा केवल आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं आप। ये बहुत है ठीक, लेकिन हम सात आठ तक बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल को हम देखते हैं जिसको एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल अगर हम इस क्षेत्रफल की बात करते हैं, एक और कदम बढ़ा लेते हैं, ये व्युत्पन्न यहां पर लिखते हैं सूत्र, यहां पर लिखते हैं मात्रक, कौन सा मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। और ये हो जाएगा विमीय संकेतांक, विमीय सूत्र लिख दो या विमीय संकेतांक आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई हमारा क्या क्षेत्रफल, हम किन किन मतलब जो क्षेत्रफल है किन किन भौतिक किन किन राशियों पर डिपेंड करता है, एक लंबाई दूसरा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है मूल राशि। अच्छा ये देखिए चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो होती है, तो इसलिए यह दोनों हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यह दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशि है, इन दोनों मूल राशियों के ऊपर निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते, तब तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं जब तक ये दोनों में से कोई हमें अगर एक लुप्त हो जाए तब तक हम लोग नहीं इसको फाइंड कर सकते। मतलब कहने का मतलब क्या है समझ लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में से कोई अगर एक हटा दें तो हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ जब रहेगा तभी हम उसका किसी टू डी फिगर वाले का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए लंबाई हमारा क्या है मूल राशि, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई भी एक मूल राशि है, ये दोनों मूल राशि, ये दोनों मूल राशि के ऊपर डिपेंड करना है क्या और क्वांटिटीज, तो इसका मतलब क्या हो गया व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के प्रकाश क्या पड़े आप कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों के सहायता से प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो इसी तरीके से देखिए लंबाई भी एक प्रकार की क्या है मूल राशि है, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है, तो वह लंबाई हमने मूल राशि में बता रखा है। तो इस तरीके से यह दोनों हमारी मूल राशि है और इन दोनों मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करता है यह हमारा क्वांटिटीज। तो यह जो क्वांटिटीज होगा वो क्या होगा व्युत्पन्न राशि होगी, जिसको सोचे ड्राइव क्वांटिटीज। देखिए इन दोनों को इसको भी मीटर में इसको भी मीटर में बांट लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका विमीय संकेतांक हमने बताया था कि लंबाई को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल का लेंथ होता है,
और चौड़ाई वेक्टर का मतलब लेंथ हो जाएगा तो एल, और यह भी एल मिल करके एल को हो जाएगा। इसको एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, जब बीमा को पढ़ने का तरीका होता है एल को पढ़ेंगे, एल स्क्वायर नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन बराबर लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई या क्षेत्रफल पूरे ऊंचाई में होता है। तो आप बताइए लंबाई एक प्रकार की लंबाई तो खुद ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए, मूल राशियां हो गई। क्योंकि मूल राशियां साफ कौन कौन में होता था, लंबाई द्रव्यमान समय ताप जस्त तीव्रता पदार्थ मात्रा और वैद्युत धारा, ये बताए थे। तो इसी में हमारा क्या गया, लंबाई आ गया, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो यह भी हमारा मूल राशि है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो यह भी क्या हो गई मूल राशि। तो इस तरीके से सभी क्या होंगी, ये मूल राशि है, और इन मूल राशियों के आधार पर हम इस राशि को प्राप्त कर रहे हैं। तो यह जो राशि होगी हमारी क्या होगी, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली राशि है, इसलिए इसका नाम होगा क्या, व्युत्पन्न राशि। इस तरह की लंबाई बड़े लंबाई बड़े लंबाई मतलब एक तरीके से देखने तो ये मीटर बड़े मीटर बड़े मीटर, जिसका मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज है, आप लोगों को यहाँ पर एल लंबाई कैपिटल एल से, चौड़ाई भी एक तरीके से कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि वो अभी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, और ऊंचाई को भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक प्रकार की अभी ऊंचाई होती है और लंबाई होती है। ये इस तरीके से एल थ्री हो जाएगा, क्या होगा ये एल थ्री, एल क्यूब बनाए पड़ेंगे एल थ्री। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं बल का या त्वरण की बात कर लेते हैं, त्वरण। चलिए छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, चाल, चाल द्वारा क्या होता है, दूरी बटा के समय। ये बताइए दूरी एक प्रकार की लंबाई, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई हो गई, और समय तो हमारा है ही मूल राशि। तो देखिए यह भी मूल राशि, यह भी मूल राशि, तो मूल राशि की सहायता से हमारा यह राशि प्राप्त होगी, तो यह राशि क्या होगी, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का भाषा हमने यही बताया था ना कि ऐसी राशि है जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो अब पता चल जा रहा है कि कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो इस तरीके से देखें, क्योंकि अभी हमारा लंबाई एक तरीके का होता है, दूरी भी क्या है, लंबाई होती है, तो यह दूरी और समय एक तरीके से क्या है, मूल राशियों से है, यह मूल राशियों से प्राप्त है, और यह मूल राशियों के द्वारा हमारा यह राशि प्राप्त हो रही है, तो यह हमारा राशि जो होगा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। अब देखिए इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब यहां पर हम लिखते हैं दूरी को एक तरीके से लंबाई होगा तो एल से लिखेंगे, और समय को कैपिटल से बताए थे। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये पावर LP-1 पढ़ेंगे, LP इनवर्स नहीं करेंगे, LP-1। तो वेग का भी यही मात्रक होगा। तो अब देखिए हम लिखते हैं त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, समय अंतराल या समय जो भी है। तो अब यहां से यदि आप देख सकते हैं कि वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन का मतलब हो गया एक तरीके से चाल, ठीक। तो चाल हमारा कहां से डिपेंड हो रहा है, दूरी बटा के समय, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय, विस्थापन वेग करके लिए क्या होती है, दूरी होती है, और समय एक तरीके का हो गया। तो सोचिए समय हमारा मूल राशि है, जब तक मूल राशि नहीं होता तब तक हम त्वरण फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन तीनों क्वांटिटीज में से देखिए, या त्वरण है या वेग है एक तरीके से, और या समय है, इन तीनों में से जब तक दो नहीं पता होगा तब तक हम लोग तीसरा पता नहीं कर सकते। ये बताइए कि अगर वेग और समय हमें पता नहीं, वेग और समय में से कोई एक नहीं पता होगा तो क्या हम त्वरण को पता कर सकते हैं, नहीं, ठीक। तो इस तरीके से यह जो त्वरण है यह इन दोनों मूल राशियों के ऊपर निर्भर करता है। तो जब इन दोनों मूल राशियों के ऊपर निर्भर करता है तो इसका मतलब हमारा यह क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। वेग का मात्रक होता है वही हमारा चाल का भी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड, और अपान में समय का मात्रक सेकंड होता ही है। तो इस तरीके से अगर हम इसको साफ करते हैं तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। यहां से हो जाएगा देखिए, यहां मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी मीटर पर सेकंड है, तो एल टी माइनस वन है, हो जाएगा एल टी माइनस वन अपान में टी हो जाएगा। तो यहां से आप इसको ऊपर निकल जाएंगे तो यही हो जाएगा एल टी माइनस टू,
बीमा ऐसा टाइम किया जाता है। अब बहुत टाइम जैसे हम बल की बात कर लेते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सोचिए द्रव्यमान क्या है, मूल राशि, और त्वरण को अभी हमने बताया कि हमारा मूल राशि से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये देखिए द्रव्यमान जब तक नहीं होगा और त्वरण नहीं पता होगा तो हम लोग बल नहीं पता कर सकते। तो जब बल तब हमारा तभी पता हो पाएगा जब द्रव्यमान और त्वरण दोनों पता हो। तो इसका मतलब हो गया कि द्रव्यमान हमारा मूल राशि है, त्वरण में आने वाले जो भी क्वांटिटीज है, जो राशियां हैं वो भी क्या है, मूल राशियां हैं। तो इस तरीके से उन मूल राशियों के द्वारा हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, बल प्राप्त हो रहा है। हमारा विपन्न राशि हुआ द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, या कितना लिख दे रहे हैं, और त्वरण का मात्रा अभी अपने फाइंड किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। इसी का एसआई मात्रा भी होता है, एसआई मात्रा न्यूटन। इसका नाम न्यूटन क्यों पड़ा, क्योंकि फोर्स के बारे में बताने वाले जो आपके साइंटिस्ट हैं वह न्यूटन है। तो जब न्यूटन को इंटरनेशनल लेवल के लिस्ट में, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्टों के लिस्ट में जब रखा गया, इस वजह से उन्होंने जो सर्च किया था, जो खोजा था, या जो उन्होंने बताया था, उसके यूनिट को उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक, तो इसका डायनेसिंग एनालिसिस होता है एम एल टी माइनस टू। अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि किग्रा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम बार मास, और मीटर पर सेकंड को एल टी माइनस वन करेंगे, या नीचे से हमारा एक सेकंड और चला जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एल टी माइनस हो जाता है। इसी तरीके से कार्य कर सकते हैं, कार्य बल होता है बल विस्थापन, विस्थापन भी हमने बताया किस प्रकार की लंबाई मान लीजिए, तो यह लंबाई हमारा होगा मूल राशि, और बल में हमारा द्रव्यमान और त्वरण लगा, तो द्रव्यमान हमारा इसमें मूल राशि अभी आएगा, मूल राशि अभी, इन इन सब के जरिए हमारा ये फाइंड होता है, ये भी विपन्न राशि हो गया। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। इसी को हम जूल बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य जो हुआ या जो भी ऊर्जा है उनको बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जूल है। ये हो गया जूल, इसका एसआई मात्रक जूल हो गया। इसका डायमेंशनल एनालिसिस ML2T-2 होता है, ML2T-2 होता है। इसी तरीके से भी बहुत है, भाग के बात कर लेते हैं, दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक वही न्यूटन, और ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का जो यूनिट हो गया, अब हम देखो ML2T-2, ML2T-2 कर देंगे और नीचे L2 कर देंगे, अरे हाँ L2 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही बार क्या हो जाएगा, दाब का डायमेंशन एनालिसिस। देखिए इसका फाइंड कर लेते हैं, तो ये बल का होता है ML2T-2 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का जो है L2 होगा। तो इस सब इन दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे, तो यह जब हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, ML-1T-2, ML-1T-2। और देखिए घनत्व की बात करते हैं हम, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या रहता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो अब ये बताइए द्रव्यमान हमारा क्या है, मूल राशि है, और आयतन में जो भी हमारी क्वांटिटी जाने वाली है वो भी मूल राशि है। ये सब मूल राशि की सहायता से हमारा घनत्व प्राप्त हो रहा है, तो घनत्व हमारा हो गया व्युत्पन्न राशि। तो इस तरीके से द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम अपान में मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, देखिए द्रव्यमान का मात्रक जो किलोग्राम, तो इसका मतलब हमारा ये जो एम का मास होता है, मास का मतलब एक तरीके से द्रव्यमान मास हो गया, और वॉल्यूम का होता है एल के। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एम एल माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री, क्योंकि ऊपर जाएगा संचित जाएगा। इस तरीके से ये हमारी व्युत्पन्न राशियां होंगी, बहुत है जितने भी फॉर्मूला पढ़ते हैं हमारा व्युत्पन्न राशि होता है। आज के लिए हमारा यही टॉपिक, आप अपना जम कर तैयारी करिए और क्रैक करिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जो भी है आपके उनको।